क्या हुआ? एक अगर धनिया नहीं है तो पुदीना लेके फायदा नहीं है। पुदीना चीते रुपीस के जी 260 ग्रेविन भाई क्या ग्रेविन आटा लगा लेने तो भगा देंगे। चाची को टिश्यू नहीं मिल रहा। हाँ मोमोज मोमोज किसने दिखाई था तुझे? कहते गोभी नहीं है गोबा है गोबा। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि थोड़ा हम रह लेते हैं मतलब थोड़ा टाइम हो जाता है हमें तो हम मिस करने लगते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स, हमें इंडियन सामान की होने लगती है क्रेविंग्स। तो जो भी यूक्रेनियन प्रोडक्ट्स है जिनका सिमिलर टेस्ट होता है इंडियन प्रोडक्ट्स से तो वो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाने हैं। तो ये है एटीबी मार्केट, हर 500 मीटर में आपको एक एटीबी मिल जाएगा। सो ये प्रोडक्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे जो मैं बताने वाली हूँ, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई। और जो प्रोडक्ट्स मुझे पता थे वो मैंने वीडियो में दिखाए, तो अगर आपको इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट्स मुझे पता हो तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो या लेट्स गो। तो एक ये है फ्रूट या मासा का जो फ्लेवर आता है ना इंडिया में उस वाले फ्लेवर में, मतलब यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे जूस मिल जाएंगे बट वो अपने अपने से फ्लेवर नहीं लगते हैं। तो ये है इसमें श्रीदेवी, देख रहे भाई जी पक्का श्रीदेवी है, पक्का श्रीदेवी है ब्रो। तो ये श्रीदेवी वाला जूस है, इस पे सानिया मिर्जा है ना क्योंकि ये विटामिन सी से एनर्जी आती है ना। तो ये है जो एक एटीबी मिलती है इमली, पर ये ना बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती है। मैंने भी इसको देख के ट्राई किया था कि बहुत अच्छी थी बट ये एकदम मीठी होती है, तो फिर भी किसी को पसंद हो तो ले लेना। और इसमें लिखा है वैसे स्वीट टैबलेट, इसमें लिखा भी है कि स्वीट होती है पर ये स्वीट ही होती है। तो ये है सबसे देखो एक मतलब चीज जिसका सबसे ज्यादा मुझे वेट था और अभी आपको पता लगे, ये है मोमोज। इसे भी पांच साल में पता चली है। ये सारे जो है ना ये काट टोपले है, मतलब आलू वाली फिलिंग है, आलू विद चीज, आलू विद मशरूम, तो ये तो ठीक है। ये हमारे काम का है क्योंकि यहाँ पर है ये हमारे एक्चुअल मोमो वाली फिलिंग, ये है काटो प्याज और पत्ता गोभी वाली फिलिंग जिस फिलिंग के मोमोज हम इंडिया में खाते हैं। तो ये फ्रोजन है, आप इसको बॉईल कर सकते हो, स्टीम कर सकते हो, फ्राई कर सकते हो, जैसे भी खाने हो। तो ये बहुत काम की चीज़ है जो अभी मिले क्योंकि मोमोज रोज थोड़े प्रोसीजर से बनाना पॉसिबल नहीं होता और आप एक बार ही चलो। ये मेरी वजह से पता चली है। हाँ ठीक है, ये इन्होंने बताया मुझे। तो वैसे तो ये हमारे सीनियर है तो इनकी वजह से बहुत कुछ पता लगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो खैर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और आप इसकी रेसिपी चटनी की यूट्यूब से देख के बना लो। और ये लेना है, ये मोमोज क्रेविंग वापस नहीं रखना है। ये है मैगी का सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि आप जो भी डिफरेंट टाइप्स की मैगी मिलती है ये जो आपको दिख रही है इसमें से किसी को भी आप कैसे बनाना फ्लेवर में आएगा मैगी का, तो आप ये वाला पैक ले सकते हो। इसको आप मैगी मसाला डाल के बनाओगे ना, इसके अंदर जो मसाला आप यूज मत करना वेज नॉन वेज अपना इंडिया वाला मैगी मसाले के साथ आप इसको कुक कर लो, एकदम मैगी वाली फील आएगी, एकदम मैगी वाली फील आएगी, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है हरिचका, यहाँ से है इसको बोलते हैं हरिचका, है ये बकवीट सीड्स, काफ़ी हाई प्रोटीन कंटेंट है इसमें तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इंडियन बच्चों को नहीं पता होता तो सीड्स आप इसको भी कुक करके या फिर सोक करके बॉईल करके कैसे भी बना सकते हो, खा सकते हो, तो हैव इट, काफ़ी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है और इजीली एक्सेसिबल है। सो अभी मेरे पास है तो मैं नहीं ले रही हूँ, दिखा बेचारे आटा ही ले रहे हैं। तो एक है नेक्स्ट ये इस पता है इसको पढ़ते हैं यूक्रेनियन में आयरन, और ये इधर है मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि एटीबी में कहाँ सामान मिलेगा क्योंकि पहली बार आओगे या नए आओगे तो समझ नहीं आता है। तो हाँ ये है इंडियन छाछ जैसा, जो वो इंडियन में छाछ वाला फ्लेवर होता है ना उसके जैसा, तो हाँ मतलब वही बिल्कुल छाछ जैसा है, जैसे सॉल्ट है तो उसका टेस्ट बहुत सही रहता है, तो अभी मन करे तो आप ले सकते हैं। ये है कि जो हमारा चार जाते हैं जैसे खत्म हो जाता है इतना सारा तो हम क्वांटिटी बना नहीं सकते क्योंकि वेट की प्रॉब्लम होती है। तो अब आप ये ट्राई कर सकते हो, ये क्या है ना कि ये खीरे टाइप रहते हैं सिरके में, तो ये अचार का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। और भी यहाँ पे ये मैंने ट्राई किया है, बाकी ये यहाँ पे और भी चीज़ें हैं लाइक कि मशरूम्स हैं और ये टोमेटो है, ये सब मैंने ट्राई नहीं किया है बट कोई कर लेना और करो तो मुझे कमेंट्स में बता देना कैसा है, बट ये मैंने ट्राई किया है तो ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, आप इसको ट्राई कर सकते हो।
नेक्स्ट चीज है ये ना वो पीनट आते हैं ना मसाले वाले पीनट टाइप के, तो ये एकदम वैसे है, ये एकदम इंडियन टेस्ट देंगे। और ये जो देख लो पूरा, मतलब ये कॉर्नर है ना इसमें पूरा देख लो, तो इस पूरे कॉर्नर में से कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है जो एकदम मतलब इंडियन फ्लेवर आपको दे, बट ये है जो एकदम इंडियन फ्लेवर है। तो इसको तो मतलब ये तो मेरा ऐसे है लाइक 10/10, सो मस्ट ट्राई। एक ये है, अच्छा एक जो सबसे ज्यादा क्रेविंग्स होती है ना स्ट्रीट फूड की, स्ट्रीट फूड में भी दिल्ली वालों के तो सबसे फेवरेट होता है गोलगप्पे। तो गोलगप्पे का ये कैसे पैक आता है, ये आप ले आओ और फिर ये गोलगप्पे आप ऐसे ऑयल में डालोगे तो ये फ्राई हो जाएंगे। पानी बनाना तो आसान है, आप बना सकते हो, पानी तो बना लोगे। सो ये जो एक मेजर क्रेविंग्स होते हैं ना गोलगप्पे की, तो उसका ये एक छोटा सा सॉल्यूशन है। सो इसको ले आओ, ज्यादा वेट भी नहीं होता है, एक पैक में आराम से 50 तक निकल आते हैं। 2-3 पैक ले आओ, कुछ वजन भी नहीं है तो काफी कम की चीज है। सो याद रखना इस गिफ्ट की सामान जो भी इंडियन क्रेविंग्स हमारी होती है या फिर इंडियन चीजों को जो भी खाने का मन करता है, जो हमें जो भी मुझे पता थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। आपको और पता हो तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर मेडिकोस फ्रेंड एंड सपोर्ट। बाय बाय।